लव्य व्यवस्था अध्याय 8। लव्य व्यवस्था अध्याय 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेंढों और अखमेरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया, और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बांधकर कस दिया, और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सबका भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया, और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का, और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर फेटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया, और मूसा ने लोहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों सिंगों पर लगाकर पवित्र किया, और लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और उनके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया, और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होमबलि के मेंढे को समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया, और मूसा ने उनका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेंढा टुकड़े टुकड़े किया गया, और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पाव जल से धोए गए, और मूसा ने पूरे मेंढे को वेदी पर जलाया, और सब सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए वो हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेंढे को जो संस्कार का मेंढा था समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया, और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दहिने कान के सीने पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया, और लहू में से कुछ एक एक के दहिने कान के सिरे पर और दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का, और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दहिनी जांग ये सब लेकर अलग रखे, और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी
और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दहीनी जांग पर रख दी, और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई, और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेंढे में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया।